इस वीडियो फ्रेनल साहब पीरियड जोन पार्ट टू में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। फ्रेनल साहब पीरियड जोन क्या होते हैं वो हम इस वीडियो में समझेंगे। हम एक नियरली प्लेन वेव फ्रंट लेते हैं। इसके सामने एक पॉइंट पी लेते हैं जिस पर हमको इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। पी से एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ये परपेंडिकुलर जहां मिलता है ये पॉइंट, इसको हम नाम देते हैं ओ। यहां से पी तक की डिस्टेंस को बी मान लेते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि बी प्लस लेमडा बाई टू, बी प्लस टू लेमडा बाई टू, इस तरह से बढ़ाते हुए बी प्लस एन लेमडा बाई टू आदि रेडियाई के स्फीयर्स ड्रा करते हैं। ये स्फीयर को ये प्लेन एक सर्कल में कट करता है, तो यहाँ पर एक सर्कल बनेगा। तो इस तरह से एक सर्कल बना, यह पहला सर्कल बना जब हमने डिस्टेंस लिया था बी प्लस लेमडा बाई टू, ये बी प्लस लेमडा बाई टू, फिर बी प्लस टू लेमडा बाई टू, उसका दूसरा सर्कल बनता है। यहां से जो डिस्टेंस है वो है बी प्लस टू लेमडा बाई टू, उसके बाद तीसरा सर्कल बी प्लस थ्री लेमडा बाई टू एंड सो ऑन। इस तरह से यदि हम nth पॉइंट पर पहुंच जाएं, इसका नाम m1, m2, m3, इसका नाम mn माइनस वन और इस पॉइंट का नाम mn, तो mn की जो डिस्टेंस है यहाँ से वो होगी b प्लस n लेमडा बाई टू और mn माइनस वन की डिस्टेंस यहाँ से जो है वो होगी बी प्लस एन माइनस वन लेमडा बाई टू। ऐसी ये पहला जोन कहलाता है, ये पहले सर्कल दूसरे सर्कल के बीच ये दूसरा जोन कहलाता है, दूसरे सर्कल और तीसरे सर्कल के बीच ये तीसरा जोन कहलाता है, उसके बाद ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पर किसी भी जोन के कारण इंटेंसिटी कितनी होती है वो तीन बातों पर निर्भर करती है। इंटेंसिटी बी नो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर यहाँ पर एम्पलीट्यूड आर एन है तो आर एन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। आर एन एनथ जोन के कारण यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है डिपेंड्स ऑन, ये तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर वन, जोन का एरिया क्या है, एरिया ऑफ जोन। दूसरा, उसका डिस्टेंस पी से कितना है। और तीसरा, ऑब्लिक फैक्टर या तिर्यक गुणांक, उस पर डिपेंड करता है। वन प्लस कॉस थीटा एम, एम वन को पी से मिलाने वाली लाइन और ओ पी, इसके बीच का जो एंगल है ये थीटा है। जैसे जैसे हम हायर जोन पर जाते हैं ये एंगल बढ़ता जाता है। तो ये सबसे बाहर वाले जोन के लिए ये है एंगल थीटा एम, ठीक। तो थीटा एम उसकी वैल्यू जोन के साथ में बढ़ती जाती है। ये तीन फैक्टर्स हैं और आर एन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑब्लिक फैक्टर वन प्लस कॉस थीटा। हम कैलकुलेट करते हैं ए एन डी एन कितने हैं। ए एन हम निकालते हैं, ए एन एरिया ऑफ द एनथ जोन। तो जोन जो होता है वो एक सर्कल दूसरे सर्कल के बीच वाला जो पार्ट है, यानी
हम इसको ऐसा लिखेंगे पाई आर एन स्क्वायर माइनस पाई आर एन माइनस वन स्क्वायर, ये होगा एरिया ऑफ एन एन जोन। आर एन ये हम निकाल सकते हैं, हम ओ से लेके एम एन तक ये जो डिस्टेंस है ओ एम एन इसको हम आर एन बोलते हैं, ओ से पी तक ये है बी और एम एन से पी तक ये है बी प्लस एन लेमडा बाय टू, ये सब उनको मालूम है तो आर एन हम लिख सकते हैं। तो आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी ओ एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन पी स्क्वायर यानी बी प्लस एन लेमडा बाय टू का स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल पाइथागोरस प्रमेय से हमने लिख दिया। तो आर एन स्क्वायर आया बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स बी एन लेमडा बाय टू प्लस एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाय फोर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, तो बचा बी एन लेमडा प्लस एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाय फोर। तो आर एन स्क्वायर की जो वैल्यू आई उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी एन लेमडा प्लस एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाय फोर। इसी प्रकार से हम आर एन माइनस वन स्क्वायर निकालेंगे तो वो भी इसी प्रकार से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर एन माइनस वन स्क्वायर एन की जगह पर एन माइनस वन, तो यह आएगा बी एन माइनस वन लेमडा प्लस एन माइनस वन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाय फोर, यह आएगा। ये दोनों वैल्यूज हमको मालूम है, इसमें पाई का गुणा कर दें, इसमें पाई का गुणा कर दें और एरिया हम निकाल लें। तो ए एन हम कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं और इनको पुट करके हम ये वैल्यू निकालते हैं। पुट आर एन स्क्वायर इज बी एन लेमडा प्लस एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर फोर और पाई का इसमें गुणा कर दिया, तो पाई का गुणा करा तो ये हो गया पाई बी एन लेमडा प्लस पाई एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाय फोर माइनस पाई बी एन की जगह एन माइनस वन लेमडा माइनस पाई एन माइनस वन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाय फोर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पाई बी एन लेमडा प्लस पाई एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाय फोर माइनस, इसमें इसका गुणा करा तो आया पाई बी एन लेमडा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया पाई बी लेमडा, ये दो टर्म यहाँ से आ गई माइनस पाई और एन माइनस वन स्क्वायर, इसको एक्सपांड कर लिया तो आ गया एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन लेमडा स्क्वायर बाय फोर, या अब इसमें हम देखें पाई बी एन लेमडा और पाई बी एन लेमडा प्लस माइनस होने से ये कैंसिल हो गए, जो बचता है वो एक टर्म ये बची है, एक टर्म ये बची, एक टर्म तीन टर्म बचती है, पाई बी लेमडा को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर पाई बी लेमडा और बाद में जो क्वांटिटी बची इसमें हम पाए लेमडा स्क्वायर बाय फोर कामन ले लेते हैं, तो हमने लिया पाए लेमडा स्क्वायर बाय फोर कामन, ब्रैकेट में बचा यहाँ से एन स्क्वायर और यहाँ से बचा माइनस एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस वन, ये बचा एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा टू एन माइनस वन। फाइनली वी गेट पाई बी लेमडा प्लस पाई लेमडा स्क्वायर बाय फोर ब्रैकेट में टू एन माइनस वन, ये आया ए एन एरिया ऑफ दी एन एथ जोन। इसको भी मैं यहाँ
साइड में लिख रहा हूँ, ये है पाई बी लेमडा प्लस पाई लेमडा स्क्वायर ब्रैकेट में 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब मैं एक बात ये बोलता हूँ कि लेमडा की तुलना में लेमडा स्क्वायर बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सो आई कैन राइट ए एन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पाई बी लेमडा। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये जो जोन है इनके एरिया लगभग बराबर है। सो एरिया ऑफ ऑल जोन्स आर नियरली इक्वल इक्वल टू पाई बी लेमडा। अब हम दूसरा डी एन कैलकुलेट करते हैं। डी एन यानी डिस्टेंस ऑफ द जोन फ्रॉम द पॉइंट पी। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो जोन की जो बाउंड्री है इनर और आउटर वो डिस्टेंस का हम एवरेज निकालते हैं। तो डी एन मैंने लिखा, डी एन इज इक्वल टू पी से लेके एम एन तक का डिस्टेंस और पी से लेके एम एन माइनस वन तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, ये होगा एवरेज डिस्टेंस। पी एम एन है बी प्लस एन लैम्डा बाय 2 और ये है पी एम एन माइनस 1 बी प्लस एन माइनस 1 लैम्डा बाय 2 और इनको जोड़ के 2 से ये डिवाइड कर दिया, ये इसका एवरेज है। अब बी और बी ऐड करा तो आ गया 2b और डिवाइडेड बाय 2 और एन लैम्डा बाय 2, इसमें लैम्डा बाय 2 कॉमन ले लें प्लस लैम्डा बाय 2 कॉमन लिया, यहाँ से बचा एन और यहाँ से बचा एन माइनस 1 और यहाँ डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ 2 भी फिर आएगा। तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, बी प्लस लैम्डा बाय 4 टू एन माइनस 1, ये जो रिजल्ट है डी एन है। सो डी एन इज इक्वल टू बी प्लस लैम्डा बाय 4 टू एन माइनस 1। अब इन सब को कंबाइन करके एक साथ लिखते हैं हम और आर एन की वैल्यू कितनी आती है ये एज्यूम करते हुए कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो 1 है, ऐसा हम मान लेते हैं। सो वी राइट आर एन इज इक्वल टू ए एन अपॉन डी एन इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एन, ये हमने लिखा। ए एन की वैल्यू है पाई बी लेमडा प्लस पाई लेमडा स्क्वायर बाय 4 ब्रैकेट में 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय डी एन विच इज b प्लस लेमडा बाय 4 2n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस cos थीटा n, यह आया। न्यूमरेटर में हम देखते हैं कि यदि पाई कॉमन ले लें और लेमडा कॉमन ले लें तो पाई लेमडा कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा b प्लस लेमडा बाय 4 2n माइनस 1, ये बचे। और डिनोमिनेटर में ये ऑलरेडी है b प्लस लेमडा बाय 4 2n माइनस 1, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा n और यहाँ से पाई b। तो rn की जो वैल्यू आई वो आई पाई b 1 प्लस cos थीटा n, ये है। और इसमें हम देख रहे हैं कि पाई बी कांस्टेंट है तो थीटा जैसे जैसे हम हायर जोन पर जाते हैं बढ़ता जाता है, थीटा की वैल्यू बढ़ने से कोसाइन की वैल्यू कम होती जाती है तो आर एन की वैल्यू कम होती जाएगी। इट मींस द एम्पलीट्यूड ड्यू टू द जोन्स विल डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम इनर जोन टू आउटर जोन। तो जैसे जैसे हम बाहर की जोन की तरफ जाते हैं तो जो रिजल्ट है वो ये कि आर वन से आर टू छोटा होगा इस तरह से और आर एन सबसे छोटा होगा। तो इस तरह से जो जोन के कारण एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे और इनकी जो फेज रिलेशनशिप है वो ऐसी होगी कि अगर टोटल को हम आर लिखें तो आर वन माइनस आर टू प्लस आर थ्री इस तरह से चलेगा और लास्ट में आएगा आर एन और वो आर एन पॉजिटिव होगा अगर एन ऑड है तो, और निगेटिव होगा यदि इवन है तो।
अब ये जो सीरीज बनती है आर वन माइनस आर टू प्लस आर थ्री माइनस आर फोर इज इक्वल टू आर, इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अभी इतना ही। ओके।